आप देख रहे हैं सच न्यूज़। सर मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया जासिफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह राय डीह में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। हत्या आरोपी के घर में की गई जमकर तोड़फोड़। सरहुल पर्व को लेकर पूरे जिले के आदिवासी समुदाय ने बस स्टैंड स्थित जाहिर थान में किया पूजा अर्चना। अच्छी बारिश व अच्छी फसल के लिए ईश्वर से की कामना। गांवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। और मटरुखा पंचायत में आगजनी से लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। मुफस्सिल क्षेत्र के हरसिंह राइडी में एक व्यक्ति का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक झरियागादी निवासी है जो प्लांट में ड्राइवर का काम करता था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झरियागादी निवासी मृतक राजेंद्र ठाकुर और उसके पड़ोसी गुलाब यादव के बीच कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसके कारण हमेशा वाद विवाद होता रहता है। जानकारी के मुताबिक मृतक राजेंद्र ठाकुर हरसिंह रायडी स्थित एक आयरन प्लॉट में ड्राइवर है और रोज की तरह रविवार को अपने प्लॉट से घर वापस आ रहा था कि घात लगाए कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक राजेंद्र ठाकुर हरसिंह रायडी स्थित एक आयरन प्लांट में ड्राइवर है और रोज की तरह रविवार को अपने प्लांट से घर वापस आ रहा था कि घात लगाए कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मृतक राजेंद्र ठाकुर की बेटी ने पड़ोसी गुलाब यादव समेत कई लोगों पर अपने पिता के हत्या का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। एक दिन आके और छत पे गाली दे रहा था कि मादर चोद भोसड़ी वाले क्या करेगा जब अपना जात को काट, जात को हम काट दिए हैं, तो पर जात को काटने में क्या है, नगुन को सब एक एक करके नगुन को मार देंगे। गेंदो यादव, टीटू यादव, पाड़े यादव, क्या बोलता पवन यादव, रतन यादव, गुड्डू यादव सब नीचे में था सर, और धमकी दे रहा था कि मार के काट के टीटू यादव, कमल यादव सब है सर, जितना सब सब मत यादव का बेटी ड्यूटी पर गया था सर, गाड़ी चलाता था, प्लांट से आ रहा था, फोन किया मतलब 8 बजे तकरीबन, बोला घर आ रहे। उसके बाद जब 9-10 बजे फोन लगाने लगे सर, उसका फोन ही नहीं लगा। उसके बाद सुबह पता चला कि मेरे पापा को मार के फेंक दिया है सर। बोलिए ये अन्याय हर बार होते रह रहा है सर, एगो काट के फिर साल भर 6 महीना फिर रहेगा सर, फिर फेल होगा, फिर काटेगा, पूरा तोड़ तोड़ के बर्बाद कर दिया था। उसके बाद फिर अपना जात को मार दिया सर, उसके बाद आज मेरे पापा को मार दिया। छोटा छोटा बाल बच्चा हम लोग क्या खाएंगे और कहां जाएंगे। इधर हत्या आरोपी गुलाब यादव के घर पर हत्या के विरोध में जमकर तोड़फोड़ का मामला भी प्रकाश में आया है। इसमें मिली कि एक व्यक्ति की लाश वहां पर पड़ी हुई है, तो तुरंत से हमारा फोर्स गया और उसको प्रॉपर इंक्वेस्ट वगैरह करके हॉस्पिटल भेजा दिया गया है। पोस्टमार्टम वगैरह किया गया है, पूरी विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और अनुसंधान के पश्चात जल्द ही बता दिया जाएगा कि हुआ क्या है। बहरहाल मुफस्सिल पुलिस ने जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सरहुल पर्व के मौके पर बस स्टैंड स्थित जिला मांझी थान में जिला बाह समिति की ओर से पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई। यहां मांझी थान में नायके मुंशी मुर्मू कुदाय नायके नूनूलाल मुर्मू ने मरांग बुरु जाहिर सरा से पर्याप्त बारिश और अच्छी फसल की कामना करते हुए पारंपरिक पूजा अर्चना किया।
जाहिर थान में पूजा के दौरान समिति संरक्षक नुनका टुड्डू, जेवीएम नेता नूनूलाल मरांडी, आयोजन समिति अध्यक्ष सोनालाल हेम्ब्रम, सचिव सूरजलाल टुड्डू समेत आदिवासी समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुष जाहिर थान से नृत्य करते हुए बाजार भ्रमण करते हुए झंडा मैदान पहुंचे, जहां घंटों नृत्य व गायन आयोजित हुआ। यहाँ जिले से ही नहीं बल्कि प्रखंडों से भी समुदाय के लोगों ने शिरकत किया। सखुआ जो पेड़ है 100 साल तक जीवित रहती है और 100 साल तक मरा हुआ रहता है, कभी सड़ता नहीं। इसलिए सखुआ का फूल हम लोग ने पूजा करते हैं प्रत्येक साल, और महुआ का फूल। और इस दिन जिस तरह हम लोग नया जीवन नहीं बोलते हैं, पूरा इस महीना में हर पेड़ का पत्ता सब गिर जाता है, नए पेड़ उग जाते हैं, फूल देते हैं, उसी को हम लोग आज पूरा धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, नया जीवन हम लोग ने प्राप्त करते हैं। पेड़ से ही हमारे ऑक्सीजन देती है और नया पल आने से हमारे शरीर में खुशहाली आती है। ये प्रकृति को भी संतुलित करता है और हमारे जीवन जिस तरह गाड़ी चलती है उसी तरह दैनिक रूप से चलती रहती है। और पेड़ पर ही हम लोग आश्रित हैं, पेड़ नहीं रहने से हमारे प्रकृति का ग्लोबल बिगड़ जाता है और पूरा हाहाकार मच जाता है। अभी आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, पेड़ नहीं रहने से हमारे प्राकृतिक जो ग्लोबल है वो चेंजिंग होते जा रहा है। आजकल बारिश का टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा अचानक बारिश का मौसम आ जाती है, जिस तरह लगता है कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, दार्जिलिंग के क्षेत्र में हैं, उस तरह इस क्षेत्र में नहीं हुआ करता था। लेकिन आप लोग देखते हैं कि पेड़ पौधा कट जाने के कारण हमारा संतुलित प्राकृतिक संतुलित बिगड़ गया है। इसलिए हम लोग शुरू से हमारे पूर्वज ने हमारे पुरखों ने प्राकृतिक पूजा करते आ रहे हैं। जब जब अत्याचार होता है तो उसको एकमात्र उसको हम कह सकते हैं कि ये सबहा जिसको हम सरहुल कहते हैं, उसके तहत पूरे एक सूत्र में हम सारे भारतवर्ष के लोग, सारे सृष्टि के लोग हम पंक्तिवाद होते हैं, फिर होते हैं। और जैसा कि पूरे सृष्टि में जिस समय आज भी इतिहास है, जो हमारे पूर्वज थे या इस संसार में 5 दिन 5 रात
जो अग्निवृष्टि हुई थी और उस अग्निवृष्टि में पूरा संसार क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्योंकि देश के अंदर में या धरती के अंदर में प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ की गई। तो उस समय जब यह अग्निवृष्टि हुई तो पूरा नष्ट हो गई थी, और उस समय फिर से कुछ लोग बच गए थे और फिर से नए वहाँ से पौधे उत्पन्न हुए, और उस पौधे से उत्पन्न होने के बाद में फूल आए, पत्तियाँ आए। तो उससे हम लोग प्राकृतिक का हम लोग जब पूजा करने का आरम्भ करते हैं, तो इसीलिए आज हम पूरे वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकेशन के रूप से जो जिस प्रकार से अभी उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक का हम पुजारी भी हैं, प्राकृतिक का रक्षक भी हैं, जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं उसके साथ में हम लोग बहुत लगाव रखते हैं। गांव प्रखंड में बाल मित्र ग्राम डावर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान रैली निकाली गई, साथ ही फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया। बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार बंधु कच्छप भी शरीफ हुए और बच्चों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान को गति देते हुए डावर क्षेत्र में रैली निकाली। उसके उपरांत फुटबॉल टूर्नामेंट में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। समापन मौके पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मुख्य अतिथि के हाथों कप देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अरुण चौधरी, अनिल यादव, चंद्रशेखर शर्मा, नितेश शर्मा, पुष्पेश शर्मा, गुड्डू सुमन समेत सैकड़ों बच्चे मौजूद थे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय डावर के स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर किया गया, और स्वीप के तहत ये कार्यक्रम भारत सरकार चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित है, और इसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उनकी उपस्थिति हुई और ये फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और इसमें सभी बच्चों को बताया गया कि अपने माता पिता जिनकी 18 वर्ष से और मतदाता सूची में नाम है उनको यह प्रेरित करना है कि अपने मतदान केंद्र पर अपना मौलिक अधिकार जो मतदान है उसको आपको वोट डालना है, और वो वोट आपका मौलिक अधिकार है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मटरुका पंचायत के बगलवाटाड़ गांव में एक घर से अचानक तेज आग की लपटें उठने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि बगलवाटाड़ निवासी जाकिर अंसारी के घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस समय जाकिर की पत्नी व बच्चे घर में थे। किसी तरह वे लोग जान बचाकर घर से बाहर निकले, फिर गांव वालों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इस आग लगी में लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। सूचना मिलने के काफी देर बाद अग्निशामक दल ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस बाबत ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली का शॉर्ट सर्किट से लगा के निकल लिए, देखलिए धुआं लगले पूरा हल्ला करे लगा लिए, तब तक तो आदमी जुड़ते जुड़ते पूरा लहर सब जुट लिए हम लोग। बिजली के तार जो लगा ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है, शॉर्ट सर्किट लाइन से उसी से हुआ है शॉर्ट सर्किट। पूरे घर में आग लग गया, पूरे घर में आग लग गया। बिचाली भी है, धान है, चावल है, तरह तरह का साइकिल वगैरह सब उसी के अंदर है। पैसा वैसा भी है कुछ नहीं, घर वाला काम करने गया था ना, ईटा पत्थर वाले में काम करता है बेचारा, गरीब है। सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाने को लेकर मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित। मुफस्सिल थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मुखिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में रामनवमी पर्व को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कहा गया कि डीजे पर प्रतिबंध, अश्लील गाने पर रोक लगाई गई है, हुड़दंगियों पर विशेष निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है।
बताया गया कि ड्रोन कैमरा से सभी स्थानों पर निगरानी की जाएगी। उपद्रवियों से निपटने के लिए विशेष दस्ते का गठन किया गया है। क्या बैठक की गई सर रामनवमी को लेकर? रामनवमी को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें मुखियाओं को, जो शांति समिति के सदस्य हैं, अखाड़ों के जो भी सदस्य हैं, उन सबको बुलाया गया है और जो इसमें विधि व्यवस्था को लेकर सब कुछ सूचित किया गया है। सभी को सहयोग करने की अपेक्षा की गई है और जो भी डीजे बजाने पर मतलब कम तकनीक का प्रयोग करते हुए उनको डीजे बजाने का निर्देश दिया गया है और किसरा वड़ा पीकर उसमें भाग नहीं ले इत्यादि इत्यादि सहयोग करने की अपेक्षा की गई। रामनवमी को लेकर के शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। क्षेत्र के सभी लोग मौजूद हैं। इसमें रामनवमी को लेकर के विशेष तैयारी जो प्रशासन की तरफ से की गई है, सभी को अवगत कराया गया कि सभी जितने भी अखाड़ा कमेटी है, सभी हमारे वीडियोग्राफी और सीसीटीवी सभी की नज़र में होंगे। डीजे थोड़े कम साउंड में बजाना है। किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने नहीं बजाने हैं। ये सबको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई सभी लोगों से। सभी लोगों ने ये बताया कि हम लोग सभी सहयोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग ड्रोन कैमरा वगैरह भी रख रहे हैं, जो कि पूरे क्षेत्र में निगरानी रखेंगे सभी जगह। बिल्कुल हम लोग काफ़ी सिंसियर होकर के हमारा डिप्लॉयमेंट होगा सभी जगह पे और हम लोग पूरे अच्छे तरीके से रामनवमी निकले, इसको लेकर के पूरी तरह से सतर्क। मैं भाजपा का सेवक था और सदैव रहूंगा। जिस भी भूमिका में भाजपा देखना चाहेगी मुझे स्वीकार होगा, उक्त बातें कोडरमा सांसद रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता में कही। कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने रविवार को अपने सिरसा स्थित आवास में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों ने आसन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा कोडरमा से नए उम्मीदवार को मैदान में उतारने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान का फैसला सर्वोपरि है। जो भी फैसले लिए गए हैं वे पार्टी के हित में है। वहीं उनकी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह 20 दिसंबर 1984 से भाजपा का अनुरागी कार्यकर्ता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी या जनता के द्वारा जो भी दायित्व उन्हें सौंपा गया उसे उन्होंने पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पूरा किया। भविष्य में पार्टी को जो भी भूमिका में रखना चाहेगी उन्हें स्वीकार होगा। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में कोडरमा में अच्छा रिजल्ट आए इसकी उन्होंने कामना की। वही पार्टी द्वारा कोडरमा के लिए चुने गए नए उम्मीदवार को बधाई भी दी। भारतीय जनता पार्टी ने कोडरमा से नए उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया। जिनको भी निर्णय लिया, जिनके बारे में निर्णय लिया, मैं उनका बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भावना को वो जीतने का काम करेंगे। उनके मन में उठने वाले संशय के भाव को दूर करके, जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक समर्पित और एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की ये पार्टी, उसकी भावना को लोग जीतने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में इसका अच्छा रिजल्ट आए, हम इसकी कामना करते हैं। तिरंगा चौक स्थित आजसू कार्यालय में सोमवार को आजसू कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई। मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में चुनावी तैयारियों को लेकर आजसू जिला इकाई द्वारा आजसू कार्यालय में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव कर रहे थे। वहीं मौके पर सुमित कौरव, कंपू यादव, मयूर विश्वकर्मा, विनोद रजक, अमित यादव, वैभव सिन्हा, राम श्रीवास्तव, नीतीश कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि बैठक में चुनाव संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता में रहकर चुनाव संपन्न करने पर बल दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। कैसे जनता के बीच जाकर, एक एक परिवार के बीच जाकर, एक एक घर जाकर, एक एक सदस्य के बीच जाकर हम लोगों को ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा एक बड़ा भाई और एक सहयोगी के रूप में
ये सीट आजसू को गया है और हम लोगों का जो सिंबल है वो है किला छाप, तो ये सब बताने के लिए। तो जब तक समन्वय नहीं बनेगा, मान लीजिए आजसू पार्टी के यहाँ 4 कार्यकर्ता हैं किसी वार्ड में, तो 40 कार्यकर्ता बीजेपी के भी, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या है कि बड़े भाई के रूप में बीजेपी को देखना, क्योंकि झारखंड राज्य अलग होने के बाद शुरू से ही आजसू पार्टी एक छोटा भाई के रूप में बीजेपी के साथ रही, ये एक सच्चाई थी। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कि जिन्होंने झारखंड राज्य में आजसू पार्टी को एक सीट देने का काम किया, उस लायक समझा, तो उसी विषय पे आज विचार विमर्श करने के लिए यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए हैं, मैं समझता हूँ कि सभी अपने अपने क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति। कुटिया मंदिर में सोमवार को मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा गंगोर उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। मौके पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गंगौर तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं देवी पार्वती और शिव जी की विशेष पूजा करती हैं। महिलाएं माता की पूजा करके अपने घर परिवार और पति के सौभाग्य की कामना करती हैं। ये तिथि चैत्र मास की नवरात्र में आती है। कुटिया मंदिर में सोमवार को मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा गणगौर तीज मनाया गया। मौके पर अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव लक्ष्मी शर्मा, मीडिया प्रभारी आशा खंडेलवाल, सरिता मोदी, वंदना नेमानी, प्रीति सिरोही वाला, सरिता अग्रवाल सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह राय डीह में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। हत्या आरोपी के घर में की गई जमकर तोड़फोड़। सरहुल पर्व को लेकर पूरे जिले के आदिवासी समुदाय ने बस स्टैंड स्थित जाहिर थान में किया पूजा अर्चना। अच्छी बारिश व अच्छी फसल के लिए ईश्वर से की कामना। गावा में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। और मटरुखा पंचायत में आगजनी से लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत।